इससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, आज का व्लॉग ना एंड तक देखना, क्योंकि आज ना सोनल ने भी थोड़ा ब्लॉगिंग किया है, मैंने भी किया है। उसने फर्स्ट टाइम किया है ना, तो उसने मंचूरियन की रेसिपी दी है, पूरी रेसिपी दी है, बहुत अच्छी दी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट कर देना। तो चलिए ब्लॉगिंग करते स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। उसी के साथ सुबह के बज चुके हैं 9 और मॉर्निंग हो चुकी है बढ़िया। और रोहित भाई देख लीजिए, सुबह सुबह में अखबार पढ़ते हुए। तो गुड मॉर्निंग, क्या है आज के न्यूज़ में? हाँ, बारिश तो अभी सूरत में तो नहीं आ रही है। ऐसा हुआ है कि भाई सैटरडे से या संडे से बारिश गई है, तो अभी तक बारिश इतनी नहीं आई है। रात को आ जाती है तो पता नहीं है। और दूसरा 21 नवंबर आ रही है ना, तब वो डायमंड बूज का ओपनिंग करने का सोच। ऐसा है, तो 21 नवंबर को डायमंड बूज, सूरत डायमंड बूज जो बन रहा है उसका उद्घाटन का ऐसे कुछ चर्चा चल रही है। और क्या न्यूज़ में आया है? शेयर बाजार का आया है, शेयर बाजार में भी तेजी चल रही है ऐसा, लेकिन कोई शेयर का भाव का प्रॉफिट नहीं रहा है। ऐसा है, तो चलिए सभी ऐसी न्यूज़ें हैं, हमारे कुछ काम की है, कुछ नहीं काम की है। और जैसे GST बंद किए जब, हाँ, और काफ़ी सारे लोग के GST भी बंद कर दिए। तो एनीवे चलिए, मॉर्निंग हो चुकी है बढ़िया सा गुड, और हमारा अभी ब्रेकफास्ट मेरा बन गया है, और रोहित भाई ने तो खा भी लिया है, तो मेरा अभी बाकी है। और हाँ, एक कल मैं वीडियो नहीं रख पाया था, इसलिए सॉरी, कल बहुत थोड़ा सा काम था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए थे। कहीं थोड़ा बहुत काम रहता है, कभी कभार तो नहीं बना पाए। तो कल काफ़ी सारी लोगों की कमेंट भी आई, तो वो पट के हमको मज़ा आया। और चलिए अभी देखते हैं, मम्मी देख लीजिए घर का काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। क्या है बस बाटला, पानी का बोतल अभी ज़रूरत नहीं है, तो समर चला गया तो पानी कम पीने का होता है, इसलिए सभी समर की जो चीज़ें है वो रख देंगे, और मॉनसून की जो रेनकोट बेनकोट साथ है वो सब निकालेंगे, है ना? और क्या है दोपहर को क्या खाने में बनाने का? तूरिया पात्रा की सब्जी। और चलिए आज तूरिया पात्रा की सब्जी किस तरह से बनाते ना वो दिखाएंगे, हम किस तरह से बनाएंगे ना वो। और हम सोच रहे हैं कि आज दोपहर को सूखड़ी बुखड़ी बनाए, तो सूखड़ी बनाने की है मम्मी, बन जाएगी आज? क्या घी ले आ जाओ, घी नहीं है नहीं। ऐसा है, तो भाई घी हो गया फिनिश, वो हमारे दूध की तर नहीं बेगी हुए उसमें से नहीं बनता। हाँ, तो आज भाई सूखड़ी का प्लान तो नहीं बन पाएगा क्योंकि घी नहीं है, तो हम घी बनाएंगे ना फिर बनाएंगे। तो दोपहर को बनाने वाले तूरिया पात्रा के साग, और अभी ना मैं मॉर्निंग का मेरा ब्रेकफास्ट बाकी है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। ब्रेकफास्ट में 2 आम लपेटने की है सिर्फ, तो आम खा लेता हूँ, फिर दोपहर को मिलेंगे। दोपहर के बज चुके हैं 12:30 और सब लोग आ चुके हैं खाने के लिए। और अभी क्या सब्जी बनवानी थी ना, तूरिया पात्रा का साग बनाना तब दिखाने का था, तो मम्मी ने ऐसे ही बना डाला है। हाँ, तो मैं बाहर गया था और मम्मी को जाना था, और मम्मी मैं बाहर गया था और जल्दी था तो उसने बना लिया, तो भी नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तब बात तुरिया बात। गाइस तो शाम के बज चुके हैं 5:30 और आ चुके हैं ऑफिस से घर पे, और देख लीजिए मम्मी अपनी कपड़ाई की इस्त्री कर रहे हैं अभी, फिर भी अच्छा है कि बारिश नहीं है, वरना सुबह भी इस्त्री करनी पड़ती है, दोपहर को भी करनी पड़ती है, ऐसा होता है ना मम्मी। तो अभी क्या बनाने का है? कुछ नहीं बनाने का है, तो चलिए अभी दोपहर का साग पड़ा है, भूख भी बहुत लगी है, तो वो पहले खा लेते हैं दोपहर का तूरिया का साग, और रोटी खा लेंगे क्योंकि तूरिया का साग ऐसे भी मेरा फेवरेट है, वरना दूसरा साग होता तो मैं नहीं खाता, लेकिन ये वाला साग चलिए पहले खाते हैं ना। हो चुका है और मॉनसून है ना, इसलिए क्या भूख बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे तो मैं 6 बजे कभी खाता नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरी भूख हर रोज़ 6 बजे ऐसा होता है, कुछ ना कुछ खाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ खाने का मन होता है ऐसा है। और अभी बोर बहुत हो रहा हूँ कि क्या करूँ वो पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि किस टाइप के वीडियो मैं बनाऊँ, अभी मेरा दिमाग ना कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग हमें सजेस्ट करो कि आपको किस टाइप से वीडियो देखना है, ये करो वैसा करो,
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। जैसे जैसे चैनल आगे आएगी, जैसे जैसे सब्सक्राइब कमेंट जैसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे ही न्यू कंटेंट आएंगे, ऐसे तो हमको भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। तो जल्दी जल्दी से गाइस सपोर्ट कर दो, सपोर्ट करोगे तो ही मज़ा आएगा मुझे भी आपको भी। और जल्दी जल्दी ज़्यादा कमेंट करो और देखेंगे अभी शाम का क्या प्लान सब कुछ बन रहा है। के बज चुके हैं 7 और बहुत गर्मी थी तो ना के मस्त फ्रेश हो चुके हैं। खाने में तो भी सिर्फ चाय और भाकरी बनानी है, तो मुझे खाना नहीं है, सिर्फ रात को दूध ही पी लूँगा। और सभी लोगों का तो खाना बनने वाला है। और हाँ, सोनल का आज कॉल आया था कि वो वहाँ पे उसके घर पे मंचूरियन बनाने वाली है, उसके पापा के घर पे। तो वो बोल रही थी कि वहाँ से मैं वीडियो लेके भेजूंगी, तो वो शाम को भेजने वाली है, किस तरह से भेजेगी तो वो वीडियो में आ जाएगा ना, तो इसमें डाल दूंगा, तो मेरे को शाम का व्लॉगिंग ना करना पड़े। और अभी देख लीजिए मम्मी अपनी साफ सफाई कर रहे हैं, खाना बाना मम्मी का हो चुका है, खाना हो चुका है ना आपका, तो अभी साफ सफाई चल रही है बस। तो अभी जो मंचूरियन का वीडियो आएगा वो मैं डाल दूंगा, उसने पहली बार बनाया है तो किस तरह से बनाया है, और पहली बार है तो जिस तरह से बनाया होगा ऐसे तो अच्छा ही बनाया होगा थोड़ा बहुत, तो उसका जल्दी जल्दी से कमेंट करना कि आपको उसका वीडियो देख के कितना मज़ा आया, और हर रोज़ मैं बनाऊँ या वो बनाए वो भी बताना किसका अच्छा है। तो हो सकेगा तो वो भी धीरे धीरे ब्लॉगिंग करने लगे तो मेरे को थोड़ा सा कम टाइम देना पड़े, वो बात भी सही है। तो चलिए देख लेते हैं उसने किस तरह से मंचूरियन और सब कुछ बनाया है और किस तरह से व्लॉगिंग किया है। हेलो एवरीवन, अमे आज मंचूरियन बनावी से, तो चलो बधा जम्मा मंचूरियन खावा। तो जो पेला मंचूरियन में जोई थे पेला गाजर जोई, कोबी, आदू, लसण अने मरची, ने हवे आमा क्लोन फोर अने मेंदो नाखीने तेने हवे बनावशु लोट। तो मंचूरियन में जोई थे गाजर, कोबी, आदू, लसण अने मरची, अने हवे तेमा क्लोन फोर अने मेंदो नाखीन हवे एनो तेनो लोट बांधीन पछी एने गोळ्यू तेनी फ्राई करवानी रहेशे। अने आ डिश में छे वघारनू कोबी, केप्सिकम, कोबी, कांदा, आदू ने लसण, आ पछी गोळी फ्राई थई जशे पछी आ तेनो उपयोग करवानो छे। तो हवे मेंदो ने क्लोन फोर नाखे छे, चाळी लेशुं पहेला અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું। રેડીમેડ મંચુરિયમમાં તો વેનેગર જ નાખે છે, પણ અમે વેનેગરનો યુઝ નથી કરતા, એટલે અમે એની જગ્યાએ અમે લીંબુ નાખશું, કારણ કે ઘરે બધાને ખાવાનું એટલે બધાને કોઈને નડે નહીં, એટલે વેનેગરની જગ્યાએ અમે લીંબુ નાખીએ છીએ, વેનેગરનો યુઝ અમે ઓછો કરીએ છીએ, લીંબુ પણ તેની જેવો જ સ્વાદ આપે। લોટને એકદમ નરમ લોટ રાખશું, લોટનો ઉપયોગ ઓછો કરશું, એની જગ્યાએ કોબી અને ગાજરનો ઉપયોગ વધારે રાખશું, લોટ ઓછા પ્રમાણમાં નાખશું। જો આ રીતે લોટ રાખવાનો રહેશે, કઠણ લોટ નથી બાંધવાનો, આ રીતે ભજીયા કરવી એ ટાઈપ જ ગોળી કરીને કરવાની છે। ગોળી ફ્રાય કરવા તો મંચુરિયમની ગોળી થઈ ગઈ છે ફ્રાય, આ રીતે ફ્રાય થવા દેવાની બ્રાઉન કલરની। મંચુરિયમની ગોળી ફ્રાય થઈ ગઈ છે, હવે વઘાર કરશું, તેમાં સોયા સોસ, રેડ ચીલી સોસ અને આ બધું વેજીટેબલનો વઘાર કરશું। આ જો અમારા ભાણકી બેન મસ્ત નીંદર કરીને આવી ગયા છે, મસ્ત રમે છે, હીરવા હીરવા મંચુરિયમ ખાવું છે તારે, હે તારે મંચુરિયમ ખાવું છે। વઘાર માટેનું તેલ મૂકી દીધું છે, તો તેમાં લસણ,
લસણ ફ્રાય થઈ જાય પછી આદું પછી કાંદા પછી કોબી ગાજર કેપ્સિકમ આ બધાને 5 મિનિટ રહેવા દેશું પછી સોયા સોસ ને ચીલી સોસ નાખશું આમાં કોર્ન ફ્લોરની પેસ્ટ કરી છે તેનથી ઘાટી ગ્રેવી થાય તો તે આમાં નાખશું સોયા સોસ નાખ્યો છે હવે ચીલી સોસ નાખશું ક્લોન ફોરની પેસ્ટ કરી છે તે નાખશું મંચુરિયમ ગ્રેવીવાળું પણ થાય પણ અમે બહુ ગ્રેવીવાળું નહીં કરવી અમે મીડિયમ બનાવશું અને બહુ સ્પાઇસી પણ નહીં બનાવી કારણ કે પપ્પાને ને બધાને ખાવાનું હોય એટલે મીડિયમ જ કરશું થઈ ગઈ છે તો તેમાં ગોળી નાખી દેવી એટલે ગોળી પણ પહોંચી થઈ જાય થોડુંક પાણી જેવું છે એટલે આ રીતે વલાઈ નાખવાનું જો બધું પાણી ઓલું થઈ ગયું છે એટલે ગોળી બધું પાણી ચૂસી લીધું છે અને આને પણ 5 મિનિટ જેવું રહેવા દેશું તો જો મસ્ત મંચુરિયમ રેડી થઈ ગયું છે અમે ઘરે જ મંચુરિયમ બનાવી છે કારણ કે પપ્પાને લોકોને રેડીમેડ મંચુરિયમ નથી ભાવતું એ લોકો તે બધા સ્પાઇસી બહુ બનાવે છે એટલે પપ્પાને હવે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે ગોળી પણ એકદમ મસ્ત પહોંચી થઈ ગઈ છે હવે ધાણા નાખી દેશું બસ મંચુરિયમ થઈ ગયું છે કમ્પ્લીટ તો ચાલો બધા મંચુરિયમ ખાવા મંચુરિયમ મેન મારા ભાભીએ બનાવ્યું છે મંચુરિયમ ખાઈ લીધું છે બહુ જ મસ્ત બન્યું હતું જો વિડીયો આપને દેખાવો સોનલને ભેજા થા મુજે રાત કો તો અભી એડિટ કિયા સુબહ મેને ઓર અભી મેં રખને વાલા હું એક ઘંટે મેં આ જાયેગા ઓર હા ઉસને બહુત અચ્છા વિડીયો લિયા હૈ ક્યુંકી પહેલી બાર બનાયા તો થોડી બહુત મિસ્ટેક હોગી તો ચલા લેના એસા તો કુછ મુજે નહીં લગ રહા હૈ મિસ્ટેક હૈ લેકિન ચલા લેના બોલને મેં થોડા સ્લો હૈ ઇતના કોન્ફિડેશન નહીં હૈ ક્યુંકી એસા હોતા હૈ જબ મેં ભી પહેલી બાર બ્લોગિંગ કર રહા થા ના તો મુજે ભી એસા હોતા થા તો ધીરે ધીરે આપ કરને લગોગે તો એસા નહીં હોગા તો ઉસને બનાયા હૈ વોહી અચ્છી બાત હૈ તો ચલિયે એસા સબ કુછ થા ઓર મસ્ત વિડીયો બનાયે તો આપકો એ વિડીયો અચ્છા લગા હો તો લાઈક કર દો શેર કર દો કોમેન્ટ કર દો સબસ્ક્રાઇબ કર દો બહુ જલ્દી મિલેંગે કુછ અચ્છે નયે કન્ટેન્ટ કે સાથ જબ તક ન્યૂ વિડીયો નહીં આતા તબ તક એ વિડીયો એન્જોય કરો વંદે માતરમ જય હિંદ બાય બાય